हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं कस्टमर के घर पर एलजी की वॉशिंग मशीन को देखने, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो आज आपको हम फुल डेमो देने वाले हैं वॉशिंग मशीन की। तो आइए आपको हम आवाज़ सुना देते हैं वॉशिंग मशीन किस टाइप की आवाज़ आ रही है। ये देखिए, आप सुन सकते हैं। देखिए, कुछ इस टाइप की आवाज़ आ रही है। तो आज आपको हम लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इसका पल्स हीटर खोल लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हम पहले कैप को ऊपर से खोल कर निकालेंगे, उसके बाद एक स्क्रू होता है उसको हम खोल कर निकाल लेंगे बाहर। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए, इसके बीच में एक पेच होता है, उसको देखिए कुछ इस तरीके से खोल करके पल्सेटर को बाहर निकाल लेना है। देखिए कुछ इस तरीका। देखिए, उसके बाद अब हम पीछे से ढक्कन को खोल लेंगे, ढक्कन को खोल कर निकाल लेंगे हम बाहर। ये देखिए, ये हमारा गियर बॉक्स है। तो पीछे से बेस को खोल कर हम हटा लेंगे। आइए आपको और पास से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये गियर बॉक्स है, ये कट चुका है। ये कटने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा घिस कर चल रहा है। इसी के कटने की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े का लोड डालने पे ये गियर बॉक्स होता है, ये कट जाता है। तो इसको हम खोल कर बाहर निकाल लेंगे। इसकी सारी पेचियों को खोल कर हम बाहर निकाल लेंगे गियर बॉक्स को। बहुत ज़्यादा कपड़े का लोड देने की वजह से गियर बॉक्स कट जाता है। इसी कारण आवाज़ आने लगती है। देखिए कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे इसको बाहर। ये देखिए, इसका सील होता है, ये कट जाता है। देखिए, जो कि गियर बॉक्स के साथ मिलता है ये सील। तो हम नया एलजी का गियर बॉक्स इसमें लगा देंगे। ये देखिए, इसका बूस वगैरह कट गया है। तो अब हम एलजी का नया गियर बॉक्स इसमें लगा देंगे। ये देखिए, हमारा एलजी का नया गियर बॉक्स है, उसको हम लगा देंगे इसमें। लगा कर इसको हम सेट कर देंगे। सबसे पहले हम सील को अच्छे से बैठा देंगे इसमें, गियर बॉक्स से निकाल करके। ड्रम में देखिए, सील को कुछ इस तरीके से बैठा देना है पहले। सील को बैठाने के बाद फिर हमको गियर बॉक्स को सेट करना है। देखिए कुछ इस तरीके से सेट करना है गियर बॉक्स को लगाकर। पहले सारी पीचों को हम फंसा लेंगे अच्छे से। पहले सारी पीचों को हमको खूब हल्का हल्का सा फंसा लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का फंसा लेना है सारी पीचों को। लास्ट में सब पीच को एक बराबर से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं,
अब देखिए सब पेचों को टाइट कर लेंगे अच्छे से एक बराबर से। ये देखिए गियर बॉक्स हमारा रेडी हो गया। अब हम नीचे के बेस को कस लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से नीचे के बेस को कस लेंगे। पहले एक पीच हम लेफ्ट साइड में फंसा लेंगे। उसके बाद वॉशिंग मशीन को हम बेड़ा करके सारी पीचों को हम कस लेंगे। वॉशिंग मशीन को हम खड़ा कर देंगे। अब पल्सेटर को हम कस लेंगे। सील को पहले अच्छे से चेक कर लेना हमको, फिर वाशर लगा करके पल्सेटर को कस देना है। देखिए कुछ इस तरीके से पल्सेटर को कस लेंगे। ये देखिए हमारा ओके हो गया है। ये देखिए बेल्ट को हम चढ़ा देंगे ऊपर। बेल्ट को लगाने के बाद आपको हम चलाकर अब दिखा देते हैं वॉशिंग मशीन को। इसकी आवाज़ आपको हम सुना देते हैं कि आपको बैठा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आइए पानी भर के आपको आवाज़ सुना देते हैं इसकी हम। ये देखिए पानी हमारा भरने लगा है। चलो ऑन कर देते हैं इसको। ये देखिए आवाज़ एकदम गायब हो गई है, आप सुन सकते हैं आवाज़ एकदम गायब हो चुकी है, आप सुन सकते हैं।
पानी भी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। तो आइए पीछे से हम गियर बॉक्स के पास से चेक कर लेते हैं कि गियर बॉक्स के पास से पानी लीक तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गियर बॉक्स के पास से अगर पानी लीकेज करेगा तो फिर मोटर जल जाएगी। तो दो से तीन मिनट रुक कर हम चेक कर लेंगे गियर बॉक्स से कहीं पानी तो नहीं लीकेज हो रहा है। तो देखिए गियर बॉक्स के पास से हमारे पानी तो नहीं चू रहा है, तो गियर बॉक्स हमारा ओके हो चुका है, तो मशीन हमारा ओके हो गया है।